चिल्वाताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव के कुएं में रविवार को 12 वर्षीय बालक का शव मिला। बालक 2 अगस्त को ब्रह्मभोज में गया था और वापस नहीं आया तो परिजनों ने चिल्वाताल थाने पर गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवाई। बच्चे की मिलने की सूचना प्राप्त होते ही मजनू चौकी प्रभारी मीरपुर गांव पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों को बच्चे के कुएं में शव मिलने की सूचना दी। लाश मिलने की सूचना प्राप्त होते ही SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, CO कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह, चिल्वाताल थाना प्रभारी मीरपुर गांव पहुंच गए। पुलिस ने बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज में पहुंची फॉरेंसिक टीम व पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार का वस्त्र नहीं था। परिवार के लोगों ने किसी से दुश्मनी होने से इनकार किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि कुएं में गिरने से बच्चे की मौत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि चिल्वाताल थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव के रहने वाले राम जी मुंबई में रहते हैं। उनकी 4 बेटियां हैं, जबकि एक 12 साल का बेटा राजन था। 2 अगस्त को राजन गांव में ब्रह्मभोज कार्यक्रम में सम्मिलित होने गया था। वहां से फिर वह घर नहीं पहुंचा, जिसका रविवार को देर रात्रि कुएं में लाश मिली। परिवारजनों ने पुलिस को सूचना देकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को ही राजन के पिता रामजी मुंबई से वापस लौटे थे। रविवार की रात अचानक कुएं के पास से बदबू आने लगी तो ग्रामीणों को लगा कि कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया है। उन्होंने देखा तो बच्चे का शव कुएं में तैर रहा था। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो शव रामजी के बेटे राजन का निकला। लाश पानी में पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिससे आसपास के इलाके से बदबू आ रही थी। जिस कुएं में बच्चे का शव मिला था उसमें कटीली झाड़ियां थी, जबकि कुएं के बगल में पंपिंग सेट का बोर है ताकि कोई वहां के कुएं के पास भी ना जाए। ग्रामीणों को अंदेशा है कि किसी ने बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया होगा। जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि बच्चे के शव को कुएं से निकालकर पंचनामा कराकर मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्चे की मौत किन कारणों से हुई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल शाम को ग्राम मीरपुर थाना चिल्वाताल से एक 12 वर्षीय बालक का एक कुएं से शव बरामद हुआ। ये बालक 2 अगस्त को अपने घर से एक ब्रह्मभोज में जाने के लिए निकला था, जहां से फिर वापस नहीं आया और कहीं गायब हो गया। पुलिस टीम लगातार इसका प्रयास इसके तलाश कर रही थी और संबंधित संदिग्ध लोगों के पूछताछ कर रही थी। कल इसका शव मिलने पर उसका पंचायतनामा भरा गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई।